सुन, दो कप चाय लगा दे। मैं नहीं बना सकती। क्या बोला तूने? मैंने बोला कि मैं चाय नहीं बना सकती। क्या हुआ, आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तूने मुझे चाय देने के लिए मना किया और इसीलिए मैंने तुझे चांटा मारा। मैंने मना किया क्योंकि मैं चाय बेचने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ठेले वाली होके अपने आपको महारानी समझ रही है क्या? चुपचाप से ना चाय लगा दे वरना एक थप्पड़ और खींच के मारूंगी तुझे। तुम ना एक नंबर की बदतमीज लड़की हो, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। किससे कैसे बात की जाती है? अपनी जुबान ना संभाल के बात कर, समझी ना। आज तक किसी भी छोटे मोटे ठेले वाले ना मुझसे बदतमीजी नहीं किया और तू मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मेरी दुकान नहीं है, और अगर ये मेरी दुकान होती भी ना तब भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी के साथ भी ऐसे बदतमीजी से बात करो। हाँ तो चुपचाप चाय बना के देना, इसमें तेरा क्या जा रहा है? मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं चाय नहीं बना सकती, आप दोनों को समझ नहीं आता क्या? एक बार में बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं तेरा। तू शायद जानती नहीं भी मुझे कि मैं कौन हूँ। कौन हो? बहुत बड़ी तोप हो गया तुम। तुझे पता है मैं ना यहाँ के SHO की वाइफ हूँ। तुम जैसे लोग हो ना खड़े खड़े जेल में पहुँचा सकती हूँ। अच्छा, तो तुम SHO की वाइफ हो? मैं तो डर गई, कहीं तुम मुझे जेल में तो नहीं डाल दोगी? प्लीज मुझे ना माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ये तेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो ना तो चुपचाप से मेरा काम कर दे, क्योंकि मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है खड़े होकर तेरी बकवास सुनूं मैं। तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तुम मुझे उंगली दिखाएगी? तेरी ना औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की भी। बेटा, अगर हम चाहें ना तो खड़े खड़े तेरा ठेला हटवा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे अब तुम दोनों की दादागिरी चलेगी? तुमसे बिना पूछे यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, तुमसे परमिशन लेके लोग यहाँ पर दुकान लगाएंगे, ऐसा ही है क्या? और हाँ, तुम्हारा पति SHO है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर लोगी? और नहीं तो क्या, मेरे पति को क्या पता कि उनके पीठ पीछे मैं क्या क्या करती हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड ना यहाँ के SHO है, उनके नाम से ना पब्लिक ऐसे थरथराने लग जाती है। मैंने ना तुम्हारी जितनी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी अपनी पूरी लाइफ में। तुम्हें बात करने तक की तमीज नहीं है। कपड़े देखो इतने अच्छे पहन रखे हैं तुमने, लेकिन तमीज एक पैसे की नहीं है तुम्हारे अंदर। देख, अब चुपचाप से ना मुझे चाय दे दे वरना इसी चाय के अंदर तेरा मुंह डाल दूंगी मैं। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी कर रही हो? करूंगी, ऐसी बदतमीजी करूंगी तेरे साथ। तेरी ना औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की भी। बस अब बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपनी सारी सीमाएं भूल जाऊंगी। अच्छा, इतने थप्पड़ पड़ने के बाद भी मैडम को अकल नहीं आई, क्या हुआ? फिर से खाना है क्या थप्पड़? लगता है तुम अपने पति के बल पर ना ज्यादा उछल रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति SHO है तो तुम मनमानी करोगी, किसी के ऊपर भी हाथ उठा दोगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तुम अपने पति के ओहदे का गलत फायदा उठा रही हो, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। देख, तेरा काम है हमारी बात मानना, तो चुपचाप चाय बना दे, ज्यादा फालतू बहस करने की जरूरत नहीं हमसे। ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। हाँ तो तू बोलना कि तेरे को कितने पैसे चाहिए? 1,000, 2,000, 3,000? वैसे भी इतने सारे पैसे ना तुम जैसे गरीबों के लिए बहुत होते हैं। अच्छा, तो बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा पति तो SHO है ना? SHO की इतनी सैलरी तो होती नहीं है जितना तुम उछल रही हो। तुमने इतने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, महंगा फोन ले रखा है। तुम सच बताओ, तुम्हारा पति ऊपरी कमाई भी करता है क्या? अबे ओ, जबान संभाल के बात कर अपनी, समझी? वो ना बहुत ईमानदार है, और अगर वो रिश्वत लेते भी हैं तो तेरे बाप का क्या जाता है? अरे वाह, तुमने तो अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा पति घूसखोरी करता है, क्योंकि कोई भी SHO इतना नहीं कमा सकता जिससे इतना महंगा फोन आ जाए और इतने ब्रांडेड कपड़े। मुझे लगता है तुम्हारा पति पक्का घूसखोरी करता है, तभी वो तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौक पूरे कर पाता है। बस मुझे तुम्हारे पति के डिटेल्स मिल जाएं, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तेरे बाप की सरकार चल रही है क्या जो तू देखेगी मेरे पति को? और एक बात बता, तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं है? इतनी देर से यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाई जा रही है। ये ले एक और थप्पड़। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर बार बार हाथ उठाओगी। अब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने, तुम ये डिजर्व करती हो बदतमीज। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरे ना हाथ तोड़ दूंगी मैं। अभी अपने पति को कॉल करके ना यहाँ बुलाती हूँ, और जब लेडीज कांस्टेबल के तेरे पर डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तू रुक। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारे पति पर कि तुम्हारा पति SHO है। बुलाओ अपने पति को, मैं भी देखती हूँ कितनी बड़ी तोप है और मेरा क्या कर सकता है वो। अच्छा, बहुत ज्यादा जुबानी चल रही तेरी। तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों को ना हम लोग अपने पैरों तले कुचल देते हैं। आई बड़ी गवार कहीं की, तुझे तो मैं बताऊंगी। रुक तू। मैं भी तुम लोगों की क्यों ही मुंह लग रही हूँ? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पति के ऊपर। तुम्हारा पति तो SHO है, एक काम करो उसे बुला ही लो तुम, मैं भी देखती हूँ कितनी बड़ी तोप है वो। हेलो शिवम, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पता है यहाँ ना एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है, और तो और मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, तुम जल्दी जल्दी यहाँ पर आओ।
शिवम अगर आज तुम नहीं आए ना तो आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी आओ। भाई वाह, तुम्हारा पति कितना बेचारा है, अपनी ड्यूटी छोड़ के बीवी की ड्यूटी कर रहा है। मेरा पति ना मुझसे प्यार करता है, मैं जहाँ बुलाऊंगी वो वहाँ पर आएगा। और एक बात और, मेरे पति के ऊपर ना अपनी एक गंदी नजर मत डाल, वरना तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलने लगूंगी। अच्छा, तो तुम मेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलोगी? जरा सोच समझ कर बोलो, कहीं ऐसा ना हो जो तुम मुझसे बोल रही हो ऐसा तुम्हारे साथ ही हो जाए। गांव की गवार लड़की, तू अपने इस खेले की अकड़ दिखा रही है मुझे। हाँ है अकड़, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई फालतू की अकड़ नहीं है, अकड़ है भी तो अपनी मेहनत से बनाई हुई है। और तुम्हें दिक्कत क्या है अगर मैं चाय का ठेला लगाती हूँ तो? कम से कम मेहनत तो कर रही हूँ ना, और खुद के पैसों पर पल रही हूँ, तुम्हारी तरह अपने पति के पैसों पर तो ऐश नहीं करती। अच्छा, ये तेरा बिजनेस है? तेरे ऐसे बिजनेस ना मैं यूँ खत्म करवा सकती हूँ। तेरे जैसे बहुत सारे लोगों के ना मैंने ठेले बंद करवाए हैं, और अब तेरे साथ भी मैं यही करूंगी। अच्छा, मैं भी तो जानू कितने लोगों का बिजनेस ठप करवा चुकी हो तुम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। तुम इसे जय हिंद क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ये वही लड़की है जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी, और तो और इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। तुम एक काम करो, अभी कभी ना इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ और जेल में डाल दो, अभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और शिवम, मुझे लगता है ये लड़की ना कुछ गंदे गंदे काम करती होगी। अच्छा, बदतमीज हूँ मैं, गंदे काम करती हूँ मैं तुम्हें तब से जवाब नहीं दे रही। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा पति तुम्हें पूरी ऐश कराता है, ये महंगा फोन दिलाया हुआ है, ब्रांडेड कपड़े दिलाता है, मॉल्स में घुमाता है, पिक्चर्स दिखाता है। तुम्हें ये पता है कि इसने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की है तब जाके इसे ओहदा मिला है? तुम्हें पता है जॉइनिंग के टाइम पे तुम्हारे पति ने इस चीज का प्रण लिया था कि वो देश की सेवा करेगा, ईमानदारी से अपना काम करेगा, और तुम उसके ओहदे का गलत फायदा उठा रही हो। सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैम रियली सॉरी। सॉरी मैडम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप IAS ऑफिसर हैं, अगर पता होता तो कभी बदतमीजी नहीं करती आपके साथ मैम। और मैम गलती तो मेरी है ना, प्लीज इसकी सजा मेरे हस्बैंड को मत देना। अब माफी क्यों मांग रही हो तुम? सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जब से तुम्हें पता नहीं था कि मैं IAS ऑफिसर हूँ तो तुम मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, और अब तुम्हें पता लग गया कि मैं IAS ऑफिसर हूँ तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। और क्या कह रही थी तुम कि तुमने बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप करवाए हैं, मेरा भी ठेला हटवा दोगी? तुम्हें बहुत घमंड है ना खुद पर, और तुम्हें लोगों के औहदों का मिसयूज करना बहुत पसंद है। तुम्हारी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, मैं तोड़ूंगी तुम्हारा घमंड। तुम्हारी इस हरकत की सजा तो तुम्हारे पति को मिलेगी। तुम इसके औहदे का गलत फायदा उठा रही थी ना, तुमने कितने लोगों के बिजनेसेस बंद करवाए हैं अपने पति के दम पर, और तुम इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाती थी ना, अब सजा तो जरूर मिलेगी। अब तुम्हारे गलत कर्मों की सजा तुम्हारे पति को मिलेगी, तुम्हारे पति की नौकरी तो जाएगी, तभी तो तुम्हें अकल आएगी। साथ में सजा मिलेगी तुम्हारे इस दोस्त को भी जो तुम्हारा गलत चीजों में साथ दे रहा था। इसे तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, इसने भी कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ। तुम्हें पता है तुम जैसे पढ़े लिखे गवारों की वजह से जो बाकी के पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी बदनाम होते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद लोग अपने संस्कार भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। मैं अपनी सभ्यता पर गर्व करती हूँ, मैं अपनी संस्कृति नहीं भूली, मैंने कभी भी अपने ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाया। और तुम्हें देख लो, तुम्हारा पति SHO है, तुम कितना गलत करती हो लोगों के साथ, तुम उसके ओहदे का गलत फायदा उठाती हो। तुम्हें तो बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है इस चीज के लिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चलो